पे आते हैं। पहले एक बात मैं नोट कर रही थी, अभी मैं देखा आपके एक, मैंने एक और इंटरव्यू भी और वैसे भी आपको जनरली देखा इंस्टाग्राम पे, सो मैंने मुझे रियलाइज हुआ कि पहला जो इंटरव्यू हमने किया था फ्रॉम दैट टू अभी, आई सी अ स्लाइटली मोर कंफर्टेबल उमर, मोर वोकल उमर, मुझे लग रहा है। नहीं, इज दैट मेरी रीडिंग सही है? बिल्कुल सही है। थोड़ा सा तो क्या हुआ, क्या मैं जानना चाहती हूँ, मोहब्बत ने कुछ जादू किया है या जिंदगी ने कुछ ऐसा फेंका कि आप एक नई हमें साइड नजर आ रही है उमर की? आई थिंक बहुत अप्स एंड डाउन्स आती हैं, बड़े फेजेस आते हैं। देखिए, मैंने सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है, कुछ जवाब भी इंटरेस्टिंग देना है और फोकस देना है। तो दो पॉइंट्स किए मैंने, मोहब्बत और जिंदगी, ये जो चेंज, अच्छा चेंज आपको ये इन अ पॉजिटिव वे आपको ये चेंज सही अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। आप इसी तरह काफी सारे लोग हैं जो मेरी सराउंडिंग में, उनको ये चेंज अच्छा लग रहा है। तो इस चेंज की वजह कौन है, क्या है चेंज की वजह? आई थिंक आई स्टार्टेड गोइंग विद द फ्लो। होता ये था, लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सवार कर लेता था। तो उमर इज ट्राइंग हिज बेस्ट अवॉइड माय क्वेश्चन और साइड से निकल के जिंदगी में फ्लो, मेरी वजह कौन है या क्या है? मैं आपको वही बता रहा हूँ। और जाहिर सी बात है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग चले गए, लोग हैं, कुछ चले भी गए, कुछ आ भी गए। तो जो आ गए, तो आई एम रियली हैप्पी विद देम। मैं बहुत खुश हूँ जो लोग आए, और वो बड़ा अच्छा है, दे ब्रिंग अ वेरी गुड चेंज इन माई लाइफ, एंड दे यू नो आई थिंक दे ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी, काइंड ऑफ। तो मैं दे हैं या नाउ आई एम रियली सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं हम? आज मैं बहुत शरारत के मूड में, आई डोंट नो व्हाई। ओ वाकई वाकई, तो मुझे लग रहा है पहले सवाल से आपने जो है ना मुझे, और वो बिल्कुल तैयार बैठे थे कि ऐसी दुविधा में डाल दे, बता नहीं बस मुझे। तो हैं कुछ दोस्त भी हैं और यू नो पीपल क्लोज टू मी, सो यस यस। दोस्ती और मोहब्बत में क्या फर्क होता है? दोस्ती और मोहब्बत में मुझे ऐसा लगता है कि जो दोस्तियाँ, खैर लड़की और लड़की की दोस्ती मुझे तो वाकई समझ में नहीं। अच्छा, आप नहीं बिलीव करते? हाँ, मैं बिलीव नहीं, लड़की लड़की की दोस्ती नहीं हो सकती, मैं बिलीव नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पे एक ऐसा फैक्टर हो भी जाता है, लोगों की ऐसी केमिस्ट्री होती है, ऐसा थॉट होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आपकी, बिकॉज मैंने लड़कियों से कभी इतनी उस लेवल की दोस्ती नहीं की, लड़के मैंने बहुत दोस्त बनाए, लड़कियों से मैंने वैसी दोस्ती नहीं रखी। मुझे ऐसा लगता है जिससे मैंने दोस्ती की है, तो वो मुझे जो है ना, वो एक पॉइंट पर आके चेंज हो गया फीलिंग्स, वो फीलिंग्स चेंज हो गए, इट हैपेंस, आई डोंट नो, वो कभी ज्यादातर उस एंड से, बट आई थिंक अच्छा म्यूचुअल नहीं होता। म्यूचुअल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, वरना मैंने कहा वो तो बड़ी अच्छी सिचुएशन होती है, जो आपके दोस्त हो वो या आपकी मोहब्बत बन जाए, या हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी वाकई जो मोहब्बत हो उनके साथ आपकी दोस्ती हो, वो फ्रेंडशिप दैट आई एक्चुअली कॉल कि रियल फ्रेंडशिप, और उस फ्रेंडशिप के साथ पूरी ज़िंदगी बहुत ईजिली और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजारी जा सकती है, ये मेरा थॉट है, और ये मेरी आई थिंक इट्स कुछ लोगों को वाकई इससे बड़ा मसला होता है ये, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बड़ी ये वाली प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो फिर तो आपने काफ़ी दिल तोड़े होंगे जो आप कह रहे हैं ना, दोस्ती चेंज हो जाती है बिल्कुल उस तरह से बिल्कुल हुआ है ऐसा। और कुछ में तो मैंने बड़ी इस चीज़ को, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर भी किया है, लेकिन हो नहीं पाता, वो कुछ चीज़ें बड़ी बैड नोट पे चली जाती हैं, कुछ चीज़ें सो यू कांट हेल्प इट, सो इट डिपेंड्स। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ के साथ दोस्ती भी रही, लेकिन वो फिर आप ना बिल्कुल एक कनेक्शन में नहीं रह सकते, कॉन्शियस भी हो जाते हैं आप थोड़ा सा। एग्जैक्टली, अब मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैं हर चीज़ के लिए जो है मैं अपने दोस्त को अप्रोच कर रहा हूँ, और मैं हर उसको अपने दुख में और हर खुशी में शामिल कर रहा हूँ, तो फिर यू नो इट हैपेंस। लेकिन वो किसी और मतलब में ले रहे हैं तो हो जाता है, और खाली उस लड़की के एंड से नहीं होता, लड़की के एंड से भी हो जाता है। मैंने नहीं कहा लड़की, उन्होंने खुद बोला है। तो आपको वही बता रहा हूँ ना, आई थिंक ये एक बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा, आप इतनी सीरियस बात कर रहे थे, मैंने आपको तंग करना शुरू कर दिया, आपने कहा कि वो फ्लो, जिंदगी के फ्लो के साथ चलना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम देयर। तो मैं काम को लेके भी बहुत चीज़ें मैं हावी कर लिया करता था, मैं अपने आगे चीज़ों को लेकर, और तो आई स्टॉप डूइंग इट। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद अपने ही आपको जो है ना डैमेज कर रहे होते हैं इनसाइड, और वो चीज़ आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में आपके काम को भी अफेक्ट करती है, और हर कोई जो है ना वो इस चीज़ को नोटिस करता है। सो आई स्टॉप डूइंग इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अब ज़्यादा काम है ज़िंदगी में, और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैंने वो चेंज देखा, एक पॉजिटिव चेंज देखा, क्योंकि द मोर यू थिंक और उसके बाद जो है ना फिर आप सही तरीके से फोकस नहीं हो पाते। तो कोई वाकया हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ जिसके बाद आपने ये डिसाइड किया, ये ओवर द टाइम स्लोली हुआ एंड आप एकदम आपको रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं, इंसिडेंट भी हुआ, दूसरा ये कि मैं काम को लेके जो है ना कुछ चीजें बड़ी इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि अपने आप को आपकी बड़ी सेटिस्फैक्शन हो जो कि आप कर रहे हो. आई रियली लव व्हाट आई डू. ठीक है, मैं एक अभी लास्ट टाइम एक इंटरव्यू दे रहा था तो उसमें उन्होंने मुझसे ये सवाल किया, लाहौर में था मैं जी. तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आपकी स्क्रिप्ट चूज़ करने पर आपका क्या इस पर वो है कि एक एक्टर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी मर्ज़ी की स्क्रिप्ट चूज़ करे. तो जब मैंने भड़ास किया तो इट वॉज अ मैसिव हिट. जहाँ भी जा रहे थे लोगों को यू नो एक हसन के नाम से, एक जब आपको जिस करेक्टर के नाम से पुकारा जाए ना उससे पहचाना जाए तो इट मीन्स कि लोगों को वो चीज़ पसंद आई. तो उसके बाद मैंने आई थॉट ऑफ इट कि मुझे जो है ना वो अब मैं स्क्रिप्ट अपनी मर्ज़ी का करेक्टर चूज़ करूँ और मैं देखता हूँ. तो मुझे जो भी स्क्रिप्ट ऑफर होती मैंने कहा करेक्टर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने नहीं किया. मैंने तकरीबन कुछ 8 से 10 स्क्रिप्ट्स को मना किया. यस, मुझे नहीं समझ आई. उसके बीच में मैं कर रहा था शॉर्ट फिल्म्स मैंने की, टेलीफिल्म्स वगैरह की, फैशन का कुछ काम किया, कैंपेन्स वगैरह की. तो फिर मुझे कोई स्क्रिप्ट अच्छी नहीं आ रही थी. मतलब एक टाइम पर आके बिल्कुल रुक गया कि यू नो आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इट कि यार ये तो मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दी. फिर मैंने एक दो से एडवाइस ली तो फिर मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक दिस इज़ नॉट द टाइम. और ये आपको खुद ही एक आइडिया हो जाता है कि अगर आप उस चीज़ के साथ चल रहे हो, उस फ्लो के साथ चल रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, काम के साथ साथ कौन सी चीज़ जो है ना वो प्रॉपरली तरीके से क्लिक हो जाती है. सबसे पहले तो आपने ये बड़ा मुश्किल काम है कि अपने आप को एज एन एक्टर अपने मनवा लिया. बिल्कुल. और आप बस अपना काम करते रहें, वो टाइम खुद ही आएगा एंड यू विल गेट टू नो, यू विल स्टार्ट गेटिंग दोज स्क्रिप्ट्स. ठीक है, जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए. और फिर आप इस तरह कर सकेंगे कि एट अ टाइम आपको जो है वो 2 से 3 आ गई और आपने कहा कि यार आई थिंक ये मैं मुझे करनी चाहिए ये वाली स्क्रिप्ट और ये वाला करेक्टर मुझे करना चाहिए. क्योंकि एक एक्टर को वर्सेटैलिटी दिखाने के लिए डिफरेंट करेक्टर्स की तरफ मूव होना, दूसरे करेक्टर्स करना, आई थिंक इट्स ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. और ये एक एक्टर का राइट भी है. लेकिन काम को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए, तो उस चीज़ का मैंने बहुत ज़्यादा यू नो वो कर लिया था, सवार कर लिया था कि यार ये क्या बात हुई. मतलब मैं अब इतना काम कर रहा हूँ तो मतलब मुझे वो वाली स्क्रिप्ट ऑफर क्यों नहीं हो रही, द वन दैट आई वांट टू डू. तो फिर मैंने कहा यार चलो. फिर मुझे जो है वो सिक्स सिग्मा से एक ऑफर हुई, मैंने कहा लेट्स डू इट. मुझे फॉर्म टीवी से ऑफर हुई, मैंने कहा ठीक है मैं ये भी करता हूँ. तो इस तरीके से फिर जब अब काम कर रहा हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग इट, ज़्यादा सोच नहीं रहा उस चीज़ के बारे में. तो एक रिलीफ जो है ना मेंटली, वो एक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तो वो सुकून है. आई थिंक वो नज़र भी आ रहा है. हाँ, यू नो नज़र. आई थिंक इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ईट बैड एप्पल, यू विल नॉट अप्रिशिएट अ गुड एप्पल. सो यू हैव टू एक्सपीरियंस लाइफ टू अंडरस्टैंड लाइफ. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. तो वो चीज़ें, जो चीज़ें बुरी हैं वो हो रही होती हैं, तो उसको भी आप सही तरीके से एक्सेप्ट करें. जस्ट एज आई सेड, जस्ट गो विद द फ्लो. तो ये मेरे हमसफ़र का स्क्रिप्ट कैसा आया आपके पास? हमने सुना है कि आप थोड़ा सा रिलक्टेंट थे शुरू में. मैं नहीं करना चाह रहा था ये. क्यों? स्क्रिप्ट मुझे वही वाली, जैसे मैंने आपको बात बताई कि उसमें इन सारी चीज़ों में ये वाली स्क्रिप्ट भी थी जो कि मैंने बहुत टाइम के बाद था कि इसके लिए पहले आपने मना कर दिया था. पहले मैं करना नहीं चाह रहा था. फिर किस चीज़ ने कन्विंस किया आपको? तो फिर मुझे जब मेरा डिस्कशन हुआ नदीम भाई से. अच्छा.